Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. Hello guys, welcome to my channel. दोस्तों आज हम एक ट्रिक सीखने वाले हैं जिसके जरिए हम अपनी हैंड फ्री में मौजूद सिंपल माइक्रोफोन को एक लाउड मल्टीमीडिया माइक सिस्टम जो हम बाज़ार से हायर करते हैं उसके तौर पे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फ़र्ज़ करें आपको अपनी स्पीच के लिए प्रैक्टिस करनी है या आपको अर्जेंट अनाउंसमेंट करनी है तो आप लोगों के लिए ये ट्रिक बहुत कारआमद आने वाला है। दोस्तों इस ट्रिक को सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। सबसे पहले इसकी स्टेपिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी वो डिवाइस जिसमें आप माइक्रोफोन मौजूद हो उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके तसल्ली कर लेनी है कि वो कनेक्टेड है। उसके बाद आप लोगों ने नोटिफिकेशन ट्रे में जाके इस स्पीकर के आइकन पे जहाँ से हम वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक ऑप्शन है प्लेबैक डिवाइसेस की, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आपके आगे ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपने रिकॉर्डिंग के मेन्यू को सिलेक्ट करना है। रिकॉर्डिंग के मेन्यू में आपको एक्टिव माइक्रोफोन जो आपके डिवाइस कनेक्ट है उसका एक्टिव माइक्रोफोन जो होगा उसमें अगर आप कुछ बोलेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिग्नल मिलेगा कि उसके अंदर वॉइस इनपुट आ रहा है। इसको आपने इस माइक्रोफोन जो आपका एक्टिव माइक्रोफोन है इसकी आपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आपके आगे ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ पे आपने लिसन के मेन्यू में जाना है। लिसन के मेन्यू में जाने के बाद आपने इस ऑप्शन ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको लिसन टू दिस डिवाइस पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। और इसके बाद आपने अपना स्पीकर जो आपके पास लाउड स्पीकर मौजूद है उस स्पीकर को आपने चलाना है। मींस आपके पास माइक्रोफोन की जो हैंड फ्री का स्पीकर होगा उसको आपने इधर से डिसेबल कर देना है राइट क्लिक करके। जैसा मैंने ये अनेबल डिसेबल किया हुआ था इसे मैं अनेबल करूँगा तो दूसरे स्पीकर को आपने अनेबल करना है जो हैंड फ्री का स्पीकर है। स्पीकर जिसमें से हम आउटपुट लेते हैं उसको आपने डिसेबल कर देना है तो आपकी जो साउंड है वो आपके स्पीकर में से आपके पास आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों बस इसमें इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए।